राशि एक स्वप्न माना जाता था, आज वो स्वमान के साथ अपना जीवन जी दे। इसके साथ पर्यटन दीदियों जो गाइड का काम करेगी, पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का काम भी हमने किया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत 63,000 जनजातीय गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये योजना के तहत गांव को प्राथमिक जरूरियातों से और प्राथमिक सुविधाओं से संपूर्ण युक्त किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख नए पहचान पत्र एक अभियान चलाकर 100 दिन में दिए गए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एक नए पहलुओं के साथ, नए आयामों के साथ फिर से इंट्रोड्यूस हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना आज देश के कई करोड़ लोगों के जीवन का, सरल जीवन का आधार बनी हुई है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य से जुड़ा सभी खर्चा एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। अब जैसा हमने हमारे घोषणा पत्र में वादा किया था, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त कवरेज दिया जाएगा। इसमें जो गरीब घर में 70 साल से अधिक वाले लोग हैं उनको अपने कार्ड के अलावे और 5 लाख दिया जाएगा, तो उनका कवरेज एक प्रकार से 10 लाख तक किया जाएगा। करीब करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाकर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगभग समाप्त कर देंगे। हमारी पूरी रिक्वायरमेंट ये 75,000 सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने 3 साल का लक्ष्य रखा है। नियमित टीकाकरण के लिए, उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पोर्टल भी यही 100 दिन में शुरू किया गया और देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है। 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिन मनाया गया है। इससे किशोरों को और युवाओं को अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और उनका हैंड होल्डिंग करने के लिए ढेर सारी योजनाएं शुरू की गई। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना भी हुई। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल भी शुरू किया गया। सेमीकंडक्टर, गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित की गई और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताता हूं कि आने वाले 10 सालों में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनके उभरेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, पुराने ब्रिटिशरों ने बनाए हुए आपराधिक कानूनों को बदलकर 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून इंप्लीमेंट किए गए। भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूर्ति करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न केवल लोक भोग्य बनाएंगे, लोगों को न्याय मिलने का एक सरल रास्ता होगा, समय पर न्याय मिलने की शुरुआत होगी और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि 3 साल के बाद जब इसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन समाप्त होगा, हम दुनिया में सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रखने वाले देशों में से एक बन जाएंगे। शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6,350 करोड़ रुपए की नई योजना देश में पहली बार लाई गई। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए। 25 जून को संविधान हत्या दिन
मनाने का फैसला कर आने वाली पीढ़ी को इमरजेंसी जैसे काले दौर से देश को न गुजरना पड़े, इसलिए जागरूक करने का एक हमेशा के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया गया। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई लगभग 4100 करोड़ रुपया के साथ, और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेकंड ट्रेज को भी शुरू कर दिया गया। मित्रों, पीएम मोदी जी का युद्ध के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राओं पूरी दुनिया आस के साथ नजर गड़ाकर बैठी है। पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई आने वाले दिनों में, इससे हमारी कई धरोहरों को वापस लाने में हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसको 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है, और मैं मानता हूं कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, ग्लेशियर झील विस्फोट, फ्लड और अन्य डिजास्टर के मिटिगेशन के हेतु ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया है वो सब जरूरियातों को आज के दिन की पूरा करेगा, और इसके लिए 12,554 करोड़ की योजना भी ये सब विशिष्ट आपदाओं के लिए निश्चित किए गए हैं। 4 सितंबर को 35 सालों के संघर्ष के बाद त्रिपुरा में एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता किया गया। मानस हेल्पलाइन नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए और सूचनाओं के लिए शुरू की गई। अगले 5 साल में 5,000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जाएगी। मित्रों, 100 दिन में इतना सारा जो काम, उसको अंजाम देने में सफलता मिली है, उसका कारण है जब हम चुनाव में गए, राजनीतिक पार्टियां और चुने हुए प्रतिनिधि तो चुनाव में गए थे, परंतु मोदी जी ने चुनाव के 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को एक काम दिया था कि पाइपलाइन में जितनी भी चीजें पड़ी है, जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए समाप्त कर रखिए, जिससे देश के विकास के गति में बाधा न उत्पन्न हो। इसी का परिणाम है कि ये लगभग लाखों करोड़ों के काम 100 दिन के अंदर ही, हम कैबिनेट तक की पूरी प्रोसीजर और कई जगह तो टेंडरिंग भी समाप्त कर चुके हैं। इसके कारण देश की विकास की गति न केवल बढ़ेगी, देश सुरक्षित संपन्न होगा और नई शिक्षा नीति को इंप्लीमेंट कर शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये जो विकास का रथ चला है वो आगे पर भी चला रहेगा, इसका हम सभी को विश्वास है। अब आप सब इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। मैं प्रश्न लूंगा। सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको, अब 16 नंबर नीचे कर दो। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा हिंदी के प्रति जो आपका अनुराग है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आपने कही है, लेकिन मेरा सवाल है विकसित भारत में जो राजनीतिक विमर्श है, भाषा का जो विमर्श है, उस पर सवाल करना चाहता हूं। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस के एक सांसद जयप्रकाश जी ने कहा है कि महिलाएं अगर लिपस्टिक लगाकर और पाउडर लगाकर, एक मिनट जी सर, भाई मैं रोज आपके लिए उपलब्ध हूं, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषयांतर न हो इसके लिए मेरे आपसे सबसे विनंती है कि 100 दिन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर करिए। हाँ सर, रुचि न हो तो उत्पन्न करके भी करिए। नहीं सर, रुचि है। भाषा के विमर्श पे है, भाषा का जो विमर्श है विकसित भारत में कितना सार्थक होगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। जहां तक भाषा का सवाल है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर विकास नहीं कर सकता है। स्थानीय भाषाओं के साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं जुड़ी हुई है, इसलिए नई शिक्षा नीति में हमने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में हो
इस पर बड़ा आग्रह किया है। और राजभाषा का जहां तक सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि हिंदी का किसी स्थानीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है। राजभाषा विभाग ही अब एक ऐसा पोर्टल लेकर आएगा, किसी भी भाषण का, किसी भी लेख का, किसी भी आलेख का कुछ सेकंडों में ही संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में भाषांतर कर देगा। धन्यवाद। 67 सर, मैं शैलेश यादव हूँ एएनआई न्यूज एजेंसी से। सर, आयुष्मान भारत के बारे में मेरा ये सवाल है, अभी सरकार ने जो है 70 साल और 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए को उसमें शामिल करा है, तो सर मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को भी इस योजना में शामिल किया जाए? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आयुष्मान भारत में सर क्या लोअर और लोअर मिडिल क्लास को भी शामिल करने की योजना है? जो 70 साल के ऊपर के जितने वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक की सुविधाएं देनी है, उसमें हमने आय की कोई सीमा नहीं रखी। कोई भी व्यक्ति को ये फायदा मिलने वाला है, देश के सभी 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से मध्यम वर्ग और उच्चतर मध्यम वर्ग और कोई लेना चाहे ना चाहे मुझे मालूम नहीं है, मगर कोई करोड़ोंपति भी लेना चाहे तो वो एंटाइटल होगा। 255 सर, मैं अमित हूँ टाइम्स बात से। सर, एक सवाल है, 100 दिन के जो अचीवमेंट्स की बात हो रही है उसमें तमाम चीजें हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो रेलवे है, रेलवे में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही है, और कई लोग उसको देख के कह रहे हैं कि ये सरकार में रेल हादसे हो रहे थे, लेकिन जो देखा गया है किस तरह से सामने हुए, तो आपको लगता है कि उसमें सेबोटेज वाली भी चीज हो रही है या कोई साजिश है उसमें जानबूझ के सरकार को बदनाम करने की कोशिश रेल हादसे के जरिए? जवाब आपने ही दे दिया अमित, मैं क्या बताऊं, बताइए। मित्रों, रेलवे का जिस तरह से एक्सपांशन हो रहा है, ये एक्सपांशन देश की जनता फील कर रही है। और जहां तक हादसों का सवाल है, हम इसकी तह तक जाकर इसकी जांच करेंगे, कारण जो भी है इसका निवारण करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आपके सवाल के अलावे भी मेरी विगत 2 दिन में अश्विनी जी से लंबी बात हुई, उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार कराया है। हादसे अगर षड्यंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा, और जहां जहां कोई और चीज की जरूरत है, गैप्स है, इसको भी भर दिए जाएंगे। 107 107 सर, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। अभी रेलवे से ही सवाल था, लोगों के मन में एक चिंता है कि जिस तरीके से ट्रेन की पटरियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो एक लार्जर पैमाने पे देश को साबोटाज, क्या मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत ये है, मैं बहुत छोटा सा लूंगा कि सर इस पे पूरा सिस्टम, मतलब विपक्ष पूरी तरीके से मौन है कि इसकी आलोचना क्यों नहीं करता, क्यों चाहता है कि देश जो है एक तरीके से गड्ढे में चला जाए? विपक्ष करे ना करे, हम बहुत सजग है। 1,10,000 किलोमीटर की रेल पटरी का नेटवर्क है, CBI, NIA, रेल पुलिस और गृह मंत्रालय चारों बड़ी शिद्दत के साथ इसके प्रोटेक्शन की हम स्कीम भी बना रहे हैं, और आगे पर कोई सैबोटेज की घटना ना हो इस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी अभी ये इस प्रकार की वृत्ति नजर में आई है, हम इस पर कठोरता से संज्ञान भी लिया है और एक योजना लेकर भी आ रहे हैं। 93 सर, नमस्ते, मैं अखिलेश शर्मा NDTV से। 3 आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है, जो अंग्रेजों के जमाने चले आ रहे कानून थे उनको बदल दिया गया, आमूलचूल परिवर्तन का ये एक प्रयास है, लेकिन अदालतों में लाखों करोड़ों केसेस लंबित हैं, लंबे समय से लंबित हैं, तो इनका जमीन पर कब तक असर देखने को आएगा, आम आदमी को न्याय कब तक मिल पाएगा? देखिए, समस्या साथ अर्थ में आपने जो उठाई बड़ी गंभीर है, परंतु आप तीनों कानूनों का अध्ययन करेंगे तो हमने तीनों स्तर पर, जुडिशरी के स्तर पर, प्रोसिक्यूशन के स्तर पर और इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर, 73 जगह पर समय मर्यादाओं को कर्टेल करने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाए। हमने इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक करने के लिए FSL को कंपलसरी किया है, जिससे कोई और ज्यादा साक्ष्य की जरूरत न पड़े, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही किसी को सजा दिलाई जा सके।
मैं विश्वास करता हूं कि तीन साल के बाद, आने वाले तीन साल के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, इसका एक साल में सुप्रीम कोर्ट तक केस का फाइनलाइजेशन हो जाए। 272 देख रहे हैं, एक आपको अवसर मिलेगा। नहीं, आपको कहा 272। हाँ, मैं सर माइक का वेट करें। सर, मैं विजेता सिंह हूँ द हिंदू से। सर, आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल, तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे, और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली भी हुए 11 लोग की हत्या हुई है, तो इसको लेके क्या आप मतलब वहाँ पे एक रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है, उसको लेके उसके बाद गवर्नर के घर पे कहा आपको चीफ मिनिस्टर, मैं रूमर बोला इसलिए सर। और वहाँ पे गवर्नर हाउस में भी काफी पथराव हुआ, जो हम कहीं और नहीं देखते हैं किसी देश के किसी हिस्से में। तो मणिपुर के लिए क्या स्ट्रैटेजी है 100 डेज में? देखिए, जहां तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है, और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है, इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। एक नंबर दो, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर CRPF को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर तीन, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था, उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर चार,